29 साल का एक नौजवान देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को धमकी देता है। ये नौजवान अमृतसर के थाने में तलवार लहराते हुए अपने समर्थकों के साथ जाकर अपने साथी की पुलिस हिरासत से रिहाई करवाता है। ये नौजवान जनरल सिंह भिंडरावाला को अपनी इंस्पिरेशन बताता है। इस नौजवान का नाम है अमृतपाल सिंह। आखिर कौन है ये शख्स, इसकी मांग क्या है और इस मांग से जुड़ा क्या इतिहास है? अमृतपाल सिंह सिंधु पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेरा गांव से है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो अमृतपाल ने क्लास 10 तक ही स्कूल एजुकेशन ली, फिर उसने कपूरथला पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद 2012 में वो दुबई चला गया अपने फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभालने के लिए। दुबई में रहते हुए उसने दीप सिद्धू का समर्थन किया। दीप सिद्धू वही शख्स हैं जिन्हें बाद में 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया और वो वारिस पंजाब डे के फाउंडर थे। लेकिन अभी तक भी अमृतपाल सिंह की कोई खास आइडेंटिटी नहीं थी। वो दुबई में काम करने गया एक आम इंसान था, लेकिन बाद में एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत होने के बाद अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का हेड बना दिया गया। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह भारत वापस लौट आया। उसने दीप सिद्धू के फॉलोवर से बात करनी शुरू की और साथ ही साथ सिखों के मुद्दों पर काम करने वाले दूसरे पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की। अमृतपाल ने सिख नौजवानों को खालसा पंथ अपनाने के लिए कहा और 25 सितंबर 2022 को आनंदपुर साहिब में अमृतपाल ने एक सेरेमनी के बाद खालसा ज्वाइन कर लिया। इसके ठीक चार दिन बाद 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल ने दस्तारबंदी सेरेमनी की और यहाँ पर ऑफिशियली अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का हेड बना दिया गया। इस सेरेमनी के बाद अमृतपाल की पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई और लोगों को उसमें जनरल सिंह भिंडरावाला की झलक दिखने लगी, जिसे भिंडरावाला 2.0 कहा गया। वारिस पंजाब डे है क्या? वारिस पंजाब डे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे दीप सिद्धू ने स्टार्ट किया था। दीप सिद्धू ने ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हुए कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव पंजाबियों के मुद्दों पर काम करना है, पंजाबियों की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को दुनिया के सामने लाना है। जनरल सिंह भिंडरावाला कौन है? जनरल सिंह भिंडरावाला पंजाबियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग करता था। भिंडरावाला पर पंजाब को अस्थिर करने, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या करवाने का भी आरोप लगा है। और भी पंजाब में कई हिंसाओं में भिंडरावाला का नाम जुड़ता रहा। फिर बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाला की मौत हुई। इसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की वजह भी यही सारे कारण रहे, जिस पर कभी और आपसे विस्तार में बात करेंगे। दरअसल पंजाब में रोजगार का बुरा हाल है, पंजाब के लोग भारत छोड़कर जाना चाहते हैं और यही सब कारण है कि पंजाब की राजनीति और समाज में इस तरह की मांग समय समय पर उठती रहती है। इस तरह के और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए जिस्ट को फॉलो करें।